सबको। और आज हम बात करेंगे पीपल बॉर्न ऑन 29th, किसी मंथ को 29 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या हैं, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आपकी अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी चीज़ें क्या हैं, जिंदगी में लकी कलर्स कौन से, आपके लकी डेट्स कौन सी आपके लिए अच्छी रहेंगी, बुरी तारीखे आपके लिए कौन सी अच्छी रहेंगी जिनको थोड़ा सा आपने प्रिकॉशन रखना है, अच्छे मित्र आपके कौन सी तारीखों को पैदा हो सकते हैं, आपके अच्छे वाले दुश्मन कौन सी तारीखों को पैदा हो सकते हैं, और एट लास्ट हमारी लाइफ चेंजिंग जो रेमेडीज हैं, अकल्ट मास्टर लाइफ चेंजिंग रेमेडीज जो बॉडी माइंड और सोल तीनों लेवल पे काम करते हैं उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पीपल बॉर्न ऑन 29th, तो ये 29 तारीख सब व्यक्तियों के लिए है जिनका किसी महीने की 29 तारीख को जन्म हुआ है। एक चीज यहाँ कंक्लूड करूंगा मैं, 2, 11, 20 और 29 इन सबका टोटल 2 आता है। नॉर्मली आप जितने भी वीडियोस देखेंगे लोगों के तो वो कंक्लूड करके सिर्फ 2 नंबर का वीडियो बनाते हैं। मैं यहाँ पे इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया है कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर डेट में, क्योंकि इस नंबर में 3 नंबर इकट्ठे साथ में काम करते हैं, 2 बार 2 नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल 29 में 2 नंबर आता है और 9 नंबर आता है, तो इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो 11 बन के फिर सिंगल नंबर 2 बनता है। तो इस नंबर की जो वाइब्रेशंस हैं वो 2 नंबर 2 टाइम्स एंड 9 नंबर 1 टाइम्स, उसके अनुसार इसकी डिसाइड होती हैं। तो हम जितना नंबर को माइन्यूटली डिस्कस करेंगे उतने उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें पता लगते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के नीचे आप मेरा एक लिंक है, तो अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब का बटन है और साथ में बेल आइकन है उसको दबा के फिर आप नीचे कमेंट करिएगा ताकि मेरे को नोटिफिकेशन मेरे को भी मिलता रहे कि आपने आपका कोई कमेंट है। बिकॉज जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है उनके कमेंट डिफॉल्ट ऊपर आते हैं अप्रूवल के लिए, ठीक है जी। और मैं ट्राई करूंगा अगर आपका मुझे मेजर इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा या नीचे ही रिप्लाई करूंगा, और मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन डेफिनेटली पढ़ता मैं सारे हूँ बिकॉज एक एक कमेंट मेरे लिए जरूरी होता है। तो आप प्लीज रिप्लाई करिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप नीचे करते रहिए, आपका कमेंट डिफॉल्ट अप्रूव हो जाता है। सो पीपल बॉर्न ऑन 29th, आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें 29 नंबर की, तो 29 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं 29 तारीख बॉर्न वाले, बिकॉज इसमें मेजर जो इन्फ्लुएंस है वो 2 नंबर का है, तो थोड़े से इमोशनली ऐसे व्यक्ति चलते हैं। इमोशन और एग्रेशन का नंबर है, 2 चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो इमोशन एग्रेशन का नंबर भी है बिकॉज 2 नंबर इमोशन, 9 नंबर एग्रेशन और एक्शन और डूअर का है, 2 नंबर इंट्यूशन का नंबर है और 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। तो 29 वालों को हम ऐसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति दिल के इंट्यूटिवली अच्छे होते हैं, दिल के भी इमोशनल होते हैं, और जब करने को आते हैं तो लोगों का बहुत अच्छा भला करते हैं, ऐसा एक डिफॉल्ट नंबर कह सकते हैं इसको। सो आपके बारे में ये कहा जाएगा, यू आर अ ट्रू फाइटर हु नेवर गिव्स अप ऑन एनीथिंग। तो आप एक अच्छे फाइटर हैं, अगर आपको एक कार्य दे दिया गया या आपने जो कार्य करना है उसको आप एंड उसका एंड करके ही छोड़ेंगे, बिना उसको करे आप उसको जल्दी छोड़ेंगे नहीं। कंक्लूडिंग द अंडरटेकन टास्क इज एन अपेरेंट पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। किसी भी कार्य को जिसको आपने शुरू कर लिया उसको खत्म करना आपका मेजर टास्क रह जाता है, नहीं तो वो उसमें ना आपकी वो जान फंसी रह जाती है, काम क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए अच्छी चीज़ आपके अंदर यही है कि आपको अगर कोई कार्य, पहली बात तो आप जल्दी किसी कार्य को पकड़ोगे नहीं, बिकॉज आपके साथ जब आपको कोई कार्य दिया जाता है उसमें इमोशन इन्वॉल्व होना जरूरी है। ऐसे नहीं होता किसी ने आपको धक्के से काम कह दिया और आप काम कर लो, कभी नहीं करोगे। आपको समझाया जाएगा, उसमें इमोशन इन्वॉल्व किया जाएगा कि इसको करने से ये फायदा होगा, उसके बाद आप उस कार्य को करेंगे। तो इस क्योंकि कंक्लूड करने की आदत क्यों है, बिकॉज 9 नंबर इसमें आता है, तो 9 नंबर की खासियत होती है जिनकी भी जन्म तारीख में 9 नंबर एंड में आ जाता है 9, 19 और 29 में, तो डिफॉल्ट उन व्यक्तियों की आदत होती है कि वो किसी भी कार्य को जब शुरू करते हैं उसको एंड करने की कोशिश करते हैं। इफ यू मूव द स्पिरिट टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी यू कुड अर्न अलॉट ऑफ फेम एंड रिस्पेक्ट। तो आप अगर यही वाली आपकी स्पिरिट, किसी का काम कंक्लूड करने वाली स्पिरिट है या इमोशन वाली स्पिरिट है, इसको अगर आप कंक्लूड करते हो सोसाइटी में करते हो तो आपको फेम और रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है। अर्थात इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं कि आप पब्लिक गैदरिंग्स में, मीटिंग्स में अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा खुद फॉरवर्ड होइए चीज़ों को कार्य करने के लिए, बिकॉज वो आपकी इनर नेचर है कि आपको किसी भी काम को कंक्लूड करना है और उसमें इमोशंस दे रहे हैं। तो पब्लिकली लोगों को क्या चाहिए होता है, उनको एक पहला वो व्यक्ति चाहिए होता है कि जो पब्लिक सेंटीमेंट्स को समझे, और दूसरा वो व्यक्ति चाहिए होता है जो चीज़ों को कंक्लूड भी कर दे, सिर्फ बकवास ना करे, सिर्फ बकबक ना करे। बिकॉज हमारे इंडिया में तो, और इंडिया का वर्ल्ड वाइड में लीडर सिर्फ बोलने में ज़्यादा होता है, करने में कम होते हैं। तो 29 वाला अगर लीडर बन जाएगा तो वो जो बोल रहा है एटलीस्ट ही विल बी एबल टू परफॉर्म दैट ऑल्सो। तो आपके लिए अच्छा है कि आप पब्लिकली सोशली इन्वॉल्व हो। अगर आपने कोई किट्टी कमेटी नहीं डाली तो उसमें डाल करके उसको लीड करिए, पैसे भी बनेंगे आपके उसमें और लोग विश्वास भी करेंगे आपके ऊपर। योर गुड और बैड साइड डिपेंड्स अपॉन योर नेम नंबर। तो आप अच्छे हैं कि बुरे हैं तो ये आपके नेम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज 29 तारीख आपके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपका जन्म कैसा हुआ है, आपकी इनर कोर क्या है, पर लोग आपको कैसा देखते हैं और आपके अंदर
वो जो वाइब्रेशन है बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। और नेम चेंज में हर व्यक्ति को रिकमेंड करता हूँ कि नेम में करेक्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं, बिकॉज अगर आपके आप लाइफ में वो अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आप सोच रहे हो, और हर बार आप एक एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने से पहले आप नीचे गिर जाते हो, इसका इसका रीज़न ये होता है कि जो आप उसको ऐसे समझें कि आपके अंदर इंजन जो है फेरारी गाड़ी का है और बॉडी फिएट की है, तो आप परफॉर्म करना चाहते हो पर परफॉर्म ही नहीं कर पाते, आउट परफॉर्म तो बहुत दूर की बात है, इसलिए नेम चेंज मेजर रोल प्ले करता है आपके केस में। अ गुड नेम नंबर विल गेट यू रिस्पेक्ट इन दी सेकंड हाफ ऑफ लाइफ। तो अगर आपका अच्छा आपका नाम है जो सिंक्रोनाइज है, तो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में आपके जिंदगी के मध्यम पड़ाव के बाद आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट होते हैं। और मध्यम पड़ाव हम अप्रॉक्सीमेटली मान लें कि 42 साल के बाद ऐसे व्यक्तियों को मेजर राइज मिलता है अगर अगर इनका नेम सिंक्रोनाइज हो जाए। यू आर मिस्टीरियस टू अदर्स ऑल्सो कुड अचीव अर्ली सक्सेस एज अ राइटर और हिस्टोरियन। आप मिस्टीरियस हैं जी, लोग आपको जल्दी जान नहीं पाते, उसके पीछे रीजन सिर्फ ये है बिकॉज दो नंबर एक तरफ आपको इमोशनल आदमी दिखा रहा है और दूसरी तरफ नौ नंबर आपको एग्रेसिव और डूअर दिखा रहा है कि यार इस व्यक्ति को काम के लिए से कंक्लूड कर देना। तो इमोशंस एक बिल्कुल डिफरेंट पाथ होता है और एक काम करना एक डिफरेंट पार्ट होता है, इसलिए लोग कन्फ्यूज रह जाते हैं कि आपका रियल कैरेक्टर कौन सा है। और अर्ली सक्सेस आपको मिलती है अगर आप राइटर या हिस्टोरी हैं, बिकॉज नौ नंबर क्या है, नौ नंबर की खासियत होती है कि सारी चीज़ों को कंक्लूड करके एंड में करता है, और हिस्ट्री का मतलब भी यही होता है कि जो पास्ट का डाटा है उसको सहेज के रखता है अपने साथ। इसलिए आप अगर आप हिस्ट्री में आपका अगर इंटरेस्ट होगा तो जनरली आपको अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी कहानी होंगी हिस्ट्री में। आपके नेगेटिव क्या है, इफ़ यू मूव योर स्पिरिट टू द इवल कॉजेज यू वुड प्रूव डिजास्टर्स टू सोसाइटी। तो अगर आप अपने जो आप कार्य करते हैं, जो आप कर्म करते हैं और उसमें किसी भी गलत कार्य में आप घुस गए, तो वो डिजास्टर्स हो जाएगा आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो अब अवॉइड करिए गलत चीज़ों को। नॉर्मली कई बार 29 नंबर वाले एडिक्शन में चले जाते हैं, किसी एडिक्शन मेजरली मैं यही कहूँगा लाइफ सेविंग चीज़ों में, अर्थात ड्रग्स में चले गए, तो इनको अवॉइड करना चाहिए कि इन चीज़ों में मत जाएं, बिकॉज द मोमेंट दो नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए, इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे व्यक्ति ने ड्रग्स पकड़ लिए, तो नौ नंबर कंक्लूड करा के ही हटेगा। तो 29 वालों को अवॉइड करना चाहिए ड्रग्स को। द इनकॉम्पेटेबल ड्राइवर कंडक्टर एंड नेम नंबर को प्रोड्यूस अप्स एंड डाउन इन करियर सोशल एंड लव लाइफ। तो आपका अगर ड्राइवर कंडक्टर आपका नेम नंबर सिंक्रोनाइज नहीं है, तो अप्स एंड डाउन थोड़े से रहेंगे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ड्राइवर नंबर का मेरा एक वीडियो है, पीपल बॉर्न ऑन 2/11/29, तो मेरा वीडियो यहीं YouTube या Facebook के ऊपर आप देखिएगा। उसमें मैंने फर्दर बताया कि आपका जैसे 29 तारीख है, तो 29 तारीख का टोटल 2+9=11=2 बनता है, तो आपका ड्राइवर 2 है और पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होगा उसको कंडक्टर कहा जाता है। तो इसके बारे में और फर्दर डिटेल उस वीडियो में, उसको आप देखिएगा। द एनिमिटी विद डेस्टिनी मे रेजिस्ट यू फ्रॉम एंजॉइंग दिस सक्सेस। तो इस पॉइंट को मैं छोड़ दूंगा बीच में, क्योंकि नॉर्मली मैं मुकद्दर को बीच में इसमें घुसाना नहीं चाहता, बट ओवरऑल आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेसिंग लीगल इश्यूज विच विल टेक क्वाइट नॉर्मली। तो देयर प्रोबेबिलिटी होती है जैसे लोगों के लिए, बिकॉज जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसका दिमाग कम होता है, तो यहाँ पर ये वाला इशू आ जाता है, इमोशन और गुस्सा जब इकट्ठे हो जाते हैं 29 नंबर में, तो थोड़ा सा उनके ऊपर देयर आर चांसेस कि कोई लीगल इशू चल जाए जो बहुत देर बाद जाकर के सेटल होता है। टू नेगलेक्ट द नेगेटिव इफेक्ट यू शैल रिजॉर्ट टू अ गुड नेम नंबर प्लस ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। तो आपको अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए, नेगेटिविटी खत्म करने के लिए, अपना एक तो नेम नंबर सिंक्रोनाइज करिए और दूसरे नंबर के ऊपर आप ह्यूमैनिटेरियन लोगों की भलाई के कार्य करें तो आपको फायदा रहेगा। आपके लिए जो प्रोफेशन अच्छे रहेंगे वो हैं लॉयर, पब्लिक स्पीकर, कंसल्टेंट्स, डेयरी, कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स, लिक्विड पेंट, म्यूजिक एंड राइटिंग। लकी डेट्स आपके लिए हैं 7/16/25/2/11/20/29। आपके लिए लकी दिन रहेंगे सोमवार। अनलकी डेट्स रहेंगी आपके लिए 8/9/18/26 और 27। लकी कलर्स हैं आपके लिए लाइट ग्रीन, ब्राइट येलो एंड व्हाइट। लकी डायरेक्शन आपके लिए नॉर्थ वेस्ट। आपके जो मित्र रहेंगे वो हैं 2/7/11/16/20/25 और 29। और आपके जो दुश्मन रहेंगे तो वो हैं 8 तारीख वाले, 9 तारीख वाले, 18/26/27। अब दुश्मन का मतलब ये नहीं कि वो आपका सर फाड़ देंगे, दुश्मन का मतलब ये है कि उनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम करेगा या आपको आपकी कनेक्टिविटी उनके साथ अच्छी नहीं बैठ पाएगी, तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। पावर मंत्र आपके लिए है ओम श्री सोमाय नमः या ओम श्री चंद्रमसय नमः या ओम श्री चंद्र देवाय नमः, या चंद्र के रिलेटेड, भगवान चंद्र के रिलेटेड कोई भी आप देवता चंद्र के रिलेटेड पाठ पूजा कर सकते हैं, आपको उसका फायदा होगा। हमारी जो लाइफ चेंजिंग रेमेडीज हैं वो है रियर वियर रुद्राक्ष ब्रेसलेट, ये वाला रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट है, हमारी आप वेबसाइट pandit.com से खरीद सकते हैं। इसको आप किसी भी हैंड में, लेफ्ट में या राइट हैंड कहीं भी पहन सकते हैं। मैं रूटीन में पहनता हूँ बिकॉज डिफॉल्ट रुद्राक्ष और क्रिस्टल कई नंबर्स को डिफॉल्ट बैलेंस कर देता है। मेरी ड्राइवर कंडक्टर की सीरीज जो है उसमें आप देखिएगा मैंने ज़्यादा इलेबोरेट किया है, प्लस दूसरे नंबर के ऊपर आपके जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उनको ये पूरा करने बड़ा हेल्प करते हैं। अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहन सकते तो आप उसको पर्स में रख लें, बैग में रख लें,
गाड़ी में रख लें ताकि उसको आप टच करते रहें। आप बच्चा नहीं पहनता तो उसके बेड साइड पे सिरहाने के नीचे रख दें, तीन चार लेकर के अलग अलग जगह पे रख दें ताकि वो कभी ना कभी उसको यूज होता रहे। आप नहीं पहन सकते तो आप एक चांदी का ऐसा यंत्र बनवा लीजिए, उसके अंदर ये मून यंत्र यहाँ पे बीच में एंग्रेव होके उसको गले में आप टांग सकते हैं। उसके बाद माइंड बैलेंसिंग के लिए प्लेस व्हाइट कॉटन क्लोथ इन NW नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। आप कोई भी कॉटन का सफेद कपड़ा रखिए, उससे आपका माइंड बैलेंस में आपको हेल्प मिलेगी। हैंग अ ड्यूअल माउंटेन फोटो इन साउथ वेस्ट, दो पहाड़ों की इकट्ठी फोटोग्राफ साउथ वेस्ट दिशा में लगाएं, दीवार पर आप टांग सकते हैं, उसको टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं, कोई भी पहाड़ वहां पे चल जाएंगे। दो पहाड़ इकट्ठे होने चाहिए, आगे पीछे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पैरेलल हो तब भी चलेगा। सोल बैलेंसिंग के लिए ऑफर वाटर मिक्स विद मिल्क ऑन शिवलिंग, तो कच्ची लस्सी जिसको कहा जाता है, दूध में पानी मिक्स करके आप मंदिर जाकर के शिवलिंग पे चढ़ाइए, आपको उसका फायदा होगा। ऑफर मिल्क टू मून एट नाइट, तो कई लोग ये बड़ी बेसिक रेमेडी है कि चंद्रमा के लिए, तो रात को जब चंद्रमा आपको दिखे, ब्राइट डेज में आपको दिखेगा, यानी कि नॉर्मली आपको दिखता है अमावस्या जब पूर्णिमाशी आती है तो उन दिनों में ज्यादा दिख रहा होता है, अदरवाइज जब आपको चंद्रमा दिख जाए रात को तो कोशिश करिए, अगर चंद्रमा नहीं भी दिख रहा बादल है तो आप आंखें बंद करके विजुलाइज करिए सामने चंद्रमा है, और छत के ऊपर जाकर के कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर के उसको आप अर्पण करिए। तो ये थी जी हमारा आज का 29 तारीख का वीडियो, और आपको अगर मेरे कोर्सेज के रिलेटेड पता करना है कुछ मेरे अपकमिंग कोर्सेज के लिए, तो हमारी वेबसाइट occultmaster.com पे देखिए। आपको कुछ कंसल्टेशंस लेनी है, रेमेडीज मेरे से लेनी है, या जैसे ब्रेसलेट्स थे, या आपको हॉर्स को बनवाने हैं, या नेम चेंज के लिए आपको देखना है, तो हमारी वेबसाइट remedies.com पे जाके देख सकते हैं। मेरी फीस जरूर दीजिएगा जी, छोटी सी फीस है मेरी, किसी वृद्ध आश्रम में जा करके बुजुर्गों को आप खाने पीने का सामान और कपड़े जरूर दीजिएगा, और गरीबों को खाने का सामान दीजिएगा, या फिर आप पशु पक्षियों को खाने का सामान दीजिएगा। बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी फीस है मेरी, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिएगा सबके साथ, अगर किसी का फायदा होगा तो डेफिनेटली मुझे भी फायदा होगा उस चीज़ का आपकी ब्लेसिंग्स के साथ। ठीक है जी, आज 29 तारीख तो हम क्लोज करते हैं, और आप वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज अभी दो दिन रह गए हैं, 30 और 31, तो ये 31 तारीख कंप्लीट होती है हम एक नई सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। अभी मैं कैनेडा हूँ तो तब तक मैं इंडिया भी पहुँच जाऊँगा थोड़े दिनों तक। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।